गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर नंबर अपना 7 चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 2 आज चलेगा। मैं एक बार स्पीकर लगा लेता हूँ। तो अपना लेसन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 2 है, और अपना जो लेसन नंबर 2 का जो नाम है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के कारण किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उस चीज़ का हम इसमें क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने एक ओरस्टेड का जो प्रयोग था, ठीक है, तो उसके द्वारा आपको ये जो चुंबकीय प्रभाव है उसको समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। और उसके बाद आपने चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या किया है, अध्ययन किया है, ठीक है। आज जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी क्या आपको डायरेक्शन भी देखनी है, ये उसकी दिशा देखनी है। तो दिशा देखने के लिए कुछ यहाँ पर नियम आपको दिए गए हैं, उन नियमों का यहाँ पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम। आज का अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम। दिशा के नियम क्या क्या है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम। तो इसमें हम आज अपना पहला नियम पढ़ते हैं। जो पहला नियम है वह है दक्षिणी हस्त का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो पहला जो अपना नियम है वो नोट करना आप, दक्षिणी हस्त, दक्षिणी हस्त का नियम, या इसे हम बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो अपना जो पहला नियम है वो है दक्षिणी हस्त का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से आपको पकड़ना है कि अपना जो अंगूठा है वो तो क्या धारा की दिशा में रहे, और जो अपनी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। जैसे ये कोई आपका धारावाही चालक तार है, ये आपका कोई रेखीय क्या है, धारावाही चालक तार है, ठीक है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और उसकी डायरेक्शन आपको बता दी मैंने, इस डायरेक्शन में आपकी धारा क्या हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर कोई ऊपर बिंदु A है, ठीक है, और नीचे आपका बिंदु क्या है, B है। तो बिंदु A और बिंदु B पर आपको क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये दक्षिणी हस्त का नियम या दाएं हाथ का नियम काम में लोगे, यानी इस धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ना है जैसे आपको ऊपर की ओर बतानी है, ठीक है। तो इस बिंदु की तरफ अपनी अंगुलियां करें और धारा की दिशा में अपना अंगूठा, इस प्रकार से अंगूठा करेंगे तो देखो जो अंगुलियों की जो डायरेक्शन है वो किधर है, बाहर की ओर है, ठीक है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि आपकी बाहर की ओर होती है, ठीक है, उसको तो हम डॉट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। बाहर यदि आपकी दिशा है तो उसको को डॉट के द्वारा, ठीक है। और यदि यहाँ देखो नीचे, फिर अब नीचे की ओर देखोगे बिंदु नीचे, तो नीचे आपका बिंदु नीचे है तो अंगुलियों को नीचे की तरफ, ठीक है, और अंगूठा धारा की दिशा में। अब देखो अंगुलियां अपनी अंदर की ओर है तो इस बिंदु पर तो अपना जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करने के लिए हम डॉट उपयोग में लेंगे। और यहाँ अंदर की ओर है तो अंदर की ओर यहाँ पर आप क्या लोगे, क्रॉस। तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, क्रॉस को काम में लेते हैं, ठीक है। यदि मैं
यही आपका चालक तार है और इसमें धारा की दिशा को क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, ये धारा की दिशा ये हो गई, ठीक है। और वही आपका एक ऊपर बिंदु ए है और नीचे बिंदु आपका क्या है, बी है, और दोनों बिंदुओं पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो इसके लिए वही दक्षिणायस्त का नियम, दाएं हाथ से इसको इस प्रकार पकड़ना है, तो इस प्रकार पकड़ेंगे हम, तो धारा की दिशा में तो अपना अंगूठा और मुड़ी हुई अंगुलियां आपकी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित, तो अंगुलियां अंदर की ओर मुड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की ओर, जिसे हम क्रॉस के द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। फिर नीचे वाले बिंदु पर देखें तो इस प्रकार से अपना हैंड आएगा, अपना हाथ इस प्रकार से करना है आपको। तो देखो अंगुलियां मुड़ी, जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो बाहर की ओर है, इसका मतलब इस बिंदु पर अपने जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की ओर होगी, जिससे हमें डॉट के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यही अपना क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, आप हेडिंग डालो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम। तो पहला नियम हेडिंग डालो दक्षिणी हस्त का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, हेडिंग डालो और इसमें लिखो ये नियम क्या है अपना, इसमें लिखना स्टार्ट करो आप। लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को, किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। प्रदर्शित करती हैं। अब नीचे लाइन चेंज करके लिखो आप, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होने पर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होने पर क्रॉस या ब्रैकेट में लिख लो ये क्रॉस, अंदर की ओर होने पर क्रॉस से वह बाहर की ओर होने पर डॉट से प्रदर्शित करते हैं, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों डायग्राम आप बना लो, अपनी कॉपी में दोनों डायग्राम बना लो जल्दी।
तो ये अपना पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम नंबर दो, दूसरा नियम लिखो, वर्तीय धाराओं का नियम। दूसरा है अपना वर्तीय धाराओं का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम। वर्तीय धाराओं का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम। दूसरा नियम नोट करो, वर्तीय धाराओं का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है, ये अपना दूसरा नियम है। तो आपकी, मैंने जब रेखीय पथ पर अपनी धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उसके लिए तो आपको मैंने क्या बता दिया, दक्षिणी हस्त का नियम बता, लेकिन अब आपकी जो धारा है वो क्या है, वर्ताकार पथ पर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, वर्ताकार रूप में आपकी क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो उस कंडीशन में आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वर्तीय धाराओं का नियम क्या करेंगे, काम में लेंगे, ठीक है। देखो इस प्रकार से, यदि आपकी जो धारा है वो इस प्रकार से वर्ताकार पथ के ऊपर क्या हो रही है, प्रवाहित, यानी ये आपकी धारा आई है वो इस वर्ताकार पथ के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रही है, यानी वामावर्त दिशा में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, या फिर आपकी जो धारा है वो वर्ताकार पथ के ऊपर है, ये क्लॉकवाइज क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों ही धाराओं का जो वर्ताकार पथ है उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र की क्या बतानी है, दिशा बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम में लेंगे, वर्तीय धाराओं का नियम काम में लेंगे, यानी ये नियम अपना क्या है वो समझना है, यानी ये जो अपना नियम है, ठीक है, तो इस नियम के अनुसार आपके दाएं हाथ को, अपना जो ये दायां हाथ है, ठीक है, उस दाएं हाथ की जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं उनको तो धारा की दिशा में, मुड़ी हुई अंगुलियों को तो धारा की दिशा में घुमाना है, और जो आपका खिंचा हुआ अंगूठा है वो क्या बताएगा, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये जो मुड़ी हुई अंगुलियों को तो धारा की दिशा में करना है, और ये जो आपका खिंचा हुआ अंगूठा है वो क्या बताएगा, ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो ये आपको देखो एंटो क्लॉकवाइज, जिन धारा इस दिशा में आपकी प्रवाहित हो रही है, तो अंगुलियों को इस धारा की दिशा में मोड़ना है, और ये खिंचा हुआ अंगूठा यानी बाहर की ओर है अपना अंगूठा, तो यहाँ पर इसके जो केंद्र पर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, ठीक है, वो क्या आएगी, डॉट आएगी, ठीक है, या डॉट से, या डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की ओर है। अब देखो ये क्लॉकवाइज अपनी चल रही है, तो इस प्रकार से आपको उंगुलियों को घुमाना है, ठीक है, तो धारा की दिशा में तो उंगुलियों को, और खिंचा हुआ अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है अपना, इसका मतलब है अपनी इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, यानी इसको आप क्रॉस के द्वारा डिनोट करोगे, तो क्रॉस से लिख दिया। तो यही अपना क्या है, वर्तीय धाराओं का नियम है। तो लिखो आप इस नियम में, लिखो देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की अंगुलियों को, दाएं हाथ की अंगुलियों को वर्तीय पथ में, वर्तीय पथ में, वर्तीय पथ में प्रवाहित धारा की दिशा में, प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ा जाए तो, वर्तीय पथ में प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ा जाए तो खींचा हुआ अंगूठा, खींचा हुआ अंगूठा, खींचा हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये दोनों डायग्राम बना लो नीचे, दोनों डायग्राम बना लो नीचे। तो ये अपना वर्तीय धाराओं का नियम हो गया, ठीक है। अब तीसरा नियम, तीसरा जो अपना नियम है वो है मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम। तीसरा जो नियम है अपना नंबर तीन वो है मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम। मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम नंबर तीन। तो अपने ये मैक्सवेल का जो कोर्क पेच नियम है वो क्या है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जो आपका कोर्क पेच होता है, ठीक है, इस नियम के अनुसार जो कोर्क पेच है उस कोर्क पेच की नोक आती है, यानी ये जैसे मान लो पेच है अपना और इसकी ये नोक है, तो कोर्क पेच की जो नोक जिस दिशा में आगे बढ़ती है वो दिशा तो अपनी क्या होगी, चुंबकीय धारा की दिशा होगी, तथा अपना अंगूठे का घुमाव, जो अंगूठे का घुमाव, जैसे ये पेच है, ठीक है, इसको घुमाना है आपको, तो जो अंगूठे का जो आपका घुमाव होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, यानी अंगूठे का दिशा। और जिस दिशा में अपना ये कोर्क पेच आगे बढ़ता है या पीछे आता है तो वो दिशा आपकी क्या होगी, धारा की दिशा होगी। आगे भी जैसे कसोगे इसको तो ये आगे की ओर होगी धारा की दिशा, यानी अंदर की ओर होगी। तो अपने इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी आएगी, जिस डायरेक्शन में अपना ये अंगूठा घूमता है, ठीक है। और यदि आप ऐसे उल्टा घुमाओगे इसको तो ये अपना अंगूठा इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में आपकी क्या आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी, और ये अपनी धारा की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी, समझ गए। चलो लिखो ये नियम, देखो इस नियम के अनुसार किसी कोर्क पेच की नोक, किसी कोर्क पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में गतिशील हो तो, किसी कोर्क पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में गतिशील हो तो, गतिशील हो तो अंगूठे का घुमाव, अंगूठे का घुमाव, अंगूठे का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये अपना मैक्सवेल का क्या है, कोर्क पेच का नियम है, ठीक है। अब नंबर चार जो आपका नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चौथा जो नियम है वो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यह आपका नियम नंबर 4 है, जिसके द्वारा आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। समझ गए? तो नियम नंबर 4 नोट कर लो, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम के अनुसार आपके बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, तीन अंगुलियां होती है, या आपकी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इनको इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपको फैलाना है कि तीनों ये क्या रहें, एक दूसरे के लंबवत। तो एक दूसरे के लंबवत हो तो आपका जो मध्यमा है वो तो आवेशित कण के वेग को, वी को प्रदर्शित करेगी। मध्यमा है वो तो क्या करेगी, आवेशित कण के वेग वी को प्रदर्शित करेगी, और तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी, और जो आपका अंगूठा है वो आपका चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यह अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा यानी एफ की डायरेक्शन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से फैलाना है वो, यही अपना क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ को ही फैलाना है, ऐसे नहीं आप दाएं हाथ को फैला दो, जिस हाथ का मैं नाम ले रहा हूं उसी हाथ को आपको क्या करना है, फैलाना है। समझ गए? तो बाएं हाथ का नाम ले रहा हूं मैं, तो बाएं हाथ की तीन अंगुलियां हैं, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ठीक है। इन तीनों को आपको इस प्रकार से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। तो आपकी मध्यमा है वो आवेशित कण के वेग को प्रदर्शित करेगी, तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो अपना अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यही अपना क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो जल्दी से नोट कर लो, आप लिख लो, आप लिखो इसमें, देखो इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की मध्यमा, फिर कोमा लगाना है, फिर तर्जनी और अंगूठा, बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो मध्यमा आवेशित कण के वेग को, मध्यमा आवेशित कण के वेग को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। तो यह अपना फ्लेमिंग का क्या है, बाएं हाथ का नियम है।
अब लास्ट अपना नियम है वो है स्नोका नियम, यानी SNOW, SNOW का नियम। SNOW का नियम। तो अपना जो ये स्नो का जो नियम है, ठीक है, SNOW यानी स्नो का जो नियम है, तो इस नियम के अनुसार, अपने स्नो के नियम के अनुसार, यदि किसी धारावाही चालक तार में उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप होगा वो होगा आपका पूर्व की ओर। विक्षेप किधर आएगा? पूर्व की ओर। यदि आपकी धारा किधर है भाई? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप होगा वो होगा पश्चिम की ओर। विक्षेप आएगा वो पश्चिम की ओर आएगा, और यही अपना क्या है? स्नो का नियम है। यदि आपकी धारावाही चालक तार में धारा की दिशा उत्तर से किधर है? दक्षिण की ओर है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पूर्व की ओर होगा। और यदि आपकी जो धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो आपका चुंबकीय सुई में विक्षेप पश्चिम की ओर होगा। यही आपका क्या है? स्नो का नियम है। तो जल्दी आप नोट कर लो इसको भी, स्नो का नियम लिखो इसमें। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार में उत्तर से दक्षिण दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पूर्व की ओर चुंबकीय सुई में विक्षेप पूर्व की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप पश्चिम की ओर प्राप्त होता है। यही अपना क्या है? स्नो का नियम है। तो आपने क्या हो गए? 5 नियम हो गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, ठीक है। तो 5 नियम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे भी ये आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। आगे आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो इन्हीं नियमों की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है ये, ठीक है। अब इसके बाद आपका नया जो टॉपिक होगा वो है बायो सावर्ट का नियम। न्यू टॉपिक डाल लो, न्यू टॉपिक है अपना बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम
हेडिंग डालो बायो सावर्ट का नियम। तो बायो सावर्ट का नियम क्या है, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट ने एक नियम दिया, ठीक है, जिसके अनुसार किसी विद्युत धारा अव्यय डीएल के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी कोई आपका इस प्रकार का धारावाही चालक तार है, देखो इस प्रकार का आपका क्या है, कोई ये धारावाही चालक तार है, ठीक है, यानी कोई ये आपका अक्ष वाई धारावाही चालक तार है और इसमें धारा आई क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इसमें एक धारा अव्यय है वो है आपका डीएल, ठीक है, और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो आपके पास क्या है, आई है, ठीक है, तो ये धारावाही जो आपका अव्यय है, ठीक है, इसके कारण आर दूरी पर आपका कोई बिंदु क्या है, पी, ठीक है, इस बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है, और इसके मध्य का जो कोण है वो क्या है, थीटा, ठीक है, धारावाही अव्यय और जो आपकी प्रेक्षण बिंदु की दूरी आर है उसके मध्य का जो कोण है वो क्या है, थीटा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान किसका, चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नंबर एक अपना रहेगा, यह आपका जो विद्युत धारा अव्यय है इस विद्युत धारा अव्यय के समानुपाती, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके, विद्युत धारा अव्यय के समानुपाती, तो विद्युत धारा अव्यय डीबी इज प्रोपोर्शनल डीएल, ठीक है, यानी विद्युत धारा अव्यय के समानुपाती। दूसरा अपना है इसी में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो होगा आपका विद्युत धारा अव्यय में प्रवाहित धारा के समानुपाती, यानी आपका डीबी इज प्रोपोर्शनल आई होगा। और तीसरा अपना होगा विद्युत धारा अव्यय और प्रेक्षण बिंदु के मध्य की जो दूरी है उसके मध्य कोण थीटा की ज्या के समानुपाती, तो इस चीज की ज्या क्या होगी, यानी साइन थीटा, यानी डीबी इज प्रोपोर्शनल, तीसरा क्या होगा, db इज प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और चौथा है अपनी जो प्रेक्षण बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, तो प्रेक्षण बिंदु की जो मध्य की दूरी है वो r है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आपका db इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r², ठीक है। अब इन सबको क्या करो, आप कंबाइंड फॉर्म में लिख दो, तो कंबाइंड फॉर्म में आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा डीबी इज प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा और अपोन आपका क्या आ जाएगा, r², ठीक है, ये समानुपाती साइन है, इसको आप हटाओगे तो यहां पर कोई समानुपाती नियतांक आ जाएगा और वो आपका समानुपाती नियतांक होगा μ0/4π, ठीक है, और ये आपका आई डी एल साइन थीटा और अपॉन r² और यही आपका क्या है, बायो सावर्ट का नियम है और जिसके अनुसार आपने क्या बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र का मान इस डीएल अल्पांश के कारण बिंदु पी पर, ठीक है, इसको समीकरण क्या दे देना, एक दे देना। तो सबसे पहले हेडिंग डाली आपने बायो सावर्ट का नियम और इसमें लिखो आप पहले बायो सावर्ट के नियम में लिखो, किसी धारावाही चालक तार के कारण, चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट ने एक नियम दिया जिसके अनुसार किसी विद्युत धारा अव्यय DL, ब्रैकेट में लिख लो DL, विद्युत धारा अव्यय DL के कारण, विद्युत धारा अव्यय DL के कारण स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब इसमें नीचे नंबर एक पे लिखोगे आप, नंबर एक लगाओ नीचे और लिखो आप, नंबर एक लगा के लिखो विद्युत धारा अव्यय के समानुपाती। ठीक है, अर्थात ये लिख लो, अर्थात DB is proportional DL, ये लिखो ऊपर वाला, अर्थात DB is proportional DL। फिर नीचे नंबर दो लगाओ और उसमें लिखो आप, नंबर दो लगा के विद्युत धारा अव्यय में प्रवाहित धारा के समानुपाती। अर्थात यह नंबर दो वाला लिखोगे, अर्थात DB is proportional I। तो नंबर दो हो गया अपना। फिर नीचे लाइन चेंज करके नंबर तीन लिखोगे आप, नंबर तीन लगा के लिखो, नंबर तीन विद्युत धारा अव्यय व प्रेक्षण बिंदु के मध्य, विद्युत धारा अव्यय व प्रेक्षण बिंदु के मध्य दूरी, प्रेक्षण बिंदु के मध्य दूरी, दूरी के मध्य कोण, दूरी के मध्य कोण, के मध्य कोण की ज्या के समानुपाती, कोण की ज्या के समानुपाती, कोण की ज्या के समानुपाती। अर्थात ये नंबर तीन वाला लिखोगे, DB is proportional sin theta, ज्या का मतलब sin theta ही होता है, तो DB is proportional क्या हो जाएगा, sin theta। नंबर तीन वाला लिख लो, अर्थात DB is proportional sin theta। अब नंबर चार लगा के लिखोगे आप, चार नंबर पे लिखोगे विद्युत धारा अव्यय से
प्रेक्षण बिंदु के मध्य की दूरी विद्युत धारा अव्यय से प्रेक्षण बिंदु के मध्य के दूरी प्रेक्षण बिंदु के मध्य के दूरी मध्य की दूरी मध्य की दूरी के वर्ग के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अर्थार्थ नीचे लिखोगे आप db इज प्रोपोर्शनल 1/r² अर्थार्थ नीचे लिखोगे आप db इज प्रोपोर्शनल 1/r² तो ये चार अपने आगे ठीक है। तो ये जो आपका db है ठीक है उसको क्या करो कंबाइंड फॉर्म में लिख दो या चारों को। तो कंबाइंड फॉर्म में हम लिख लेंगे कि db इज प्रोपोर्शनल अपना क्या हो जाएगा idl sin थीटा अपॉन r² यानी i के तो समानुपाती dl के समानुपाती और sin थीटा के समानुपाती और ये दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया ठीक है। तो ये कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे आप इस समानुपाती साइन को उठाओगे तो ये समानुपाती नियतांक आ जाएगा आपका म्यू नोट अपॉन 4π। तो यहां समीकरण एक तक कर लो आप समीकरण एक तक तो समीकरण एक तक हो गया ठीक है। फिर नीचे लिखोगे समीकरण एक के नीचे लिखो यहां म्यू नोट इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहां म्यू नोट इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है समानुपाती नियतांक है जिसे 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 निर्वात की चुंबकशीलता चुंबकशीलता या पारगम्यता निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। इसकी विमा m1 l1 t-2 a-2 होती है। इसकी विमा m1 l1 t-2 a-2 होती है। तो यहाँ पर ये विमा हो गई इसकी यानी अपना जो समानुपाती नियतांक है म्यू नोट ठीक है उसकी
जिसको आप निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता बोलते हो, ठीक है। इसकी जो विमा होगी वो M1L1T-2A-2 होती है, ठीक है। अब इसके नीचे आप करोगे अपने इस समीकरण एक को ऊपर नीचे R से गुणा करने पर, नीचे लिखोगे आप समीकरण है एक को ऊपर नीचे R से गुणा करने पर। अब इसको ऊपर नीचे मैं R से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π और ये आपका IR ये R आ जाएगा और ये आपका dl साइन थीटा और अपॉन आपके पास क्या जाएगा, पहले आर स्क्वायर था अब क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सदिश रूप में लिखना है, तो सदिश रूप में आप लिखोगे तो आपका डी बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π और ये आपका आई और देखो आर और डी एल कि यहाँ साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इनके मध्य, यानी आपका आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर, ठीक है, और अपॉन आपका क्या जाएगा आर क्यूब। ये सदिश रूप में अपना बायो सावर्ट का नियम हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण आप दो दे देना, यहाँ तक करो जल्दी। हो गया समीकरण दो। अब देखो यहाँ पर जो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो दूरी r और अल्फांश dl के तल के लंबवत इधर होगी, इनके तल के लंबवत होगी आपकी। तो लिखो नीचे इसके नीचे लिखो समीकरण दो के नीचे लिखो अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दूरी r वेक्टर तथा अल्फांश dl वेक्टर के तल के लंबवत होती है। तो ये तो आपके पास निर्वात के लिए क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब मैं माध्यम के लिए करूं तो माध्यम के लिए माध्यम के लिए आपका क्या आ जाएगा dB वेक्टर इक्वल टू यहां पर जो म्यू नोट आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा म्यू आ जाएगा केवल, तो म्यू अपॉन क्या आ जाएगा 4π और ये आपका I इंटू आर वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर और अपॉन क्या आ जाएगा आर क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा माध्यम के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसको समीकरण दे देना तीन, समीकरण तीन हो जाएगा अपना, समीकरण तीन जल्दी करो।
नीचे लिख लेना इसके, यहां म्यू माध्यम, म्यू माध्यम की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। इसके नीचे लिख लो, यहां म्यू माध्यम की चुंबकशीलता है। अबे नीचे स्टार लगा के लिखोगे आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता जैसे आपने आपेक्षिक विद्युतशीलता बताई थी उसी प्रकार से आपकी क्या रहेगी, आपेक्षिक चुंबकशीलता होगी, यानी आपके माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात आपकी क्या कहलाता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। यानी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होगा वही अपना क्या होगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता होगा, जिसको म्यू आर के द्वारा आप क्या करोगे, डिनोट करोगे, ठीक है। और जो म्यू आर इक्वल टू होगा आपकी माध्यम की चुंबकशीलता म्यू अपॉन निर्वात की चुंबकशीलता, वो है म्यू नोट, यही आपकी क्या होगी, आपेक्षिक चुंबकशीलता होगी। तो नीचे लिख लो इसमें आपेक्षिक चुंबकशीलता में, लिखो इसमें आप लिखो माध्यम की चुंबकशीलता चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, अर्थात नीचे लिख लेना म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट, नीचे लिख लो अर्थात म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट, जल्दी लिख लो इसको। हो गया, अब देखो जो आपका अल्फा डीएल है उसके कारण आपने बिंदु पी के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र देख लिया है, जो ये आपके पास आ गया, ठीक है। डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो किसके लिए आ गया आपका, ये तो अल्फांश के लिए आ गया। अब पूरा जो आपका धारावाही चालक तार है उसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है या चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, तो आप क्या करोगे, समाकलन से बताओगे। तो नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो आप लिखो अतः संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण, अतः संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान समाकलन से ज्ञात करते हैं, तो क्या करोगे, अब समीकरण जो आपके पास एक आया था उसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, ठीक है। तो समीकरण ए का समाकलन, डी बी का आप समाकलन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा,
ठीक है, और बी और ये आपका म्यू नोट अपॉन 4 पाई में बाहर ले लेता हूँ, और आपका इंटीग्रल आई डी एल साइन थीटा और अपॉन क्या जाएगा आर स्क्वायर। तो ये संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण आपका क्या गया चुंबकीय क्षेत्र का मान, नीचे लिख लो ये b इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, नोट कर लो ये। हो गया, अब इसमें आपको स्थिति फर्स्ट लगानी है, स्थिति फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट है। तो स्थिति फर्स्ट में लगानी है आपको कि यदि थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 हो तो स्थिति फर्स्ट है, और लगाओ स्थिति फर्स्ट अपनी, यदि थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 हो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या 0 या 180 का मतलब अपना जो बिंदु है वो धारावाही चालक तार के ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो धारावाही चालक तार के ऊपर आपको क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यदि थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 हो तो इसके आगे लिखो अर्थात धारावाही चालक तार पर, अर्थात धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अर्थात धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समीकरण एक से। तो जो आपने समीकरण एक दिया उसमें आपको थीटा की जगह 0 या 180 रखना है। तो समीकरण एक था अपना डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और ये आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस थीटा की जगह आपको क्या करना है 0 रखोगे तो अपना साइन 0 का मान है वो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये अपने चुंबकीय क्षेत्र DB का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये DB इक्वल टू कर लो 0, करो यहां तक जल्दी। अब स्थिति सेकंड, ये फर्स्ट अपनी केस हो गया, सेकंड जो अपना केस है स्थिति सेकंड, यदि थीटा इक्वल टू 90 हो तो, देखो यदि थीटा इक्वल टू 90 हो तो अर्थात धारावाही चालक तार के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का मान वो भी समीकरण एक से। तो समीकरण एक में थीटा की जगह क्या करना है, अब 90 रखना है। तो अपना समीकरण एक था डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और ये आपका आई डी एल साइन 90 और अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब चूंकि अपना जो साइन जो 90 होता है उसका मान होता है 1, तो इसकी जगह 1 कर देना और आपके पास आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और ये आपका आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा इस कंडीशन में।
यहां तक कर लो जल्दी। तो इस प्रकार से ये अपना बायो सावर्ट का जो नियम है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।